नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सूची अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ओरिजिनल सूची अपने मोबाइल से देखना चाहते हैं या फिर अपने पीसी से देखना चाहते हैं कि इसमें आपका नाम शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, या फिर आपको कितनी किस्तें मिल चुकी हैं, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। सो फ्रेंड, ये सब आपको कैसे चेक करना है उसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखते रहिए। फ्रेंड, जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में बताया गया है कि यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी और साथ में आपको अगर आपका इसमें नाम नहीं शामिल किया गया है तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और फिर आप अपने लेखपाल से कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे अपना नाम जुड़वा सकते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपए का जो है यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं, पैसा सीधे बैंक खाते में ले सकते हैं। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आपको कैसे चेक करना है। को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आपको अपने कंप्यूटर से कैसे चेक करना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे मोबाइल में कि आपको मोबाइल से कैसे चेक करना है। सो फ्रेंड, लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके सीधे जो है इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। फ्रेंड, जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे आप नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सूची देखने का यहाँ पे आपको जो है लिंक दिया जा रहा है। फ्रेंड, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना है। चलिए फ्रेंड्स, हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट ही हम जो है स्टेटस के पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आप जो है अपनी जानकारी देखने वाले हैं, लिस्ट में अपना नाम चेक करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। सो फ्रेंड, लिस्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार से ये पेज खुल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको चेक करने के 3 तरीके बताए गए हैं। आप अपने आधार नंबर से अपना नाम देख सकते हैं, अपने खाता संख्या से अपना नाम देख सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर से जो है यहाँ पे अपना नाम देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपके पास जो भी हो वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो है एक मोबाइल नंबर डालता हूँ, तो यहाँ पे मैं मोबाइल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालूंगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें गेट डेटा पे क्लिक करना है। चलिए हम भर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे आपके सामने इस प्रकार से स्टेटस आ जाएगा। अगर किसान का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसका नाम लिखा होगा, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर, उसके नीचे अकाउंट नंबर, उसके नीचे स्टेट, उसके नीचे उसका जो है डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे विलेज, उसके नीचे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन डन। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की डेट क्या थी वो लिखी होगी। उसके बाद देखिए फार्मर का जो रिकॉर्ड है वो बैंक से मैच किया है या नहीं किया है तो वो यहाँ पे लिखा होगा। उसका पहली किस्त कब मिली है, दूसरी किस्त कब मिली है, उसका सारा विवरण यहाँ पे दिया होगा। सो फ्रेंड, इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे चेक करेंगे। अब फ्रेंड, अगर आपका नाम नहीं है तो क्या दिखाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया होगा तो जैसे आप यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर डाल के या अकाउंट नंबर या आधार नंबर डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी जो डिटेल्स है वो इससे मैच नहीं कर रही है, तो आपका यहाँ पे जो है आपको नहीं लिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, अपने लेखपाल से संपर्क करना है और यहाँ पे आपको जो है फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, तभी जाके आप इस योजना के पात्र हो पाएंगे, आपको इस सेवा का लाभ मिल पाएगा। अब फ्रेंड्स, हम आपको ये मोबाइल से करके दिखाते हैं कि मोबाइल से आपको कैसे चेक करना है। सो फ्रेंड्स, मोबाइल से चेक करने के लिए आपको आना है अपने मोबाइल में और सीधे जो आप वीडियो यूट्यूब की देख रहे हैं आपको वो ओपन करना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको देखिए वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए जो वेबसाइट का लिंक है आपको इस पे क्लिक करना है, तो सीधे ही आप लिस्ट के पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको लिस्ट देखनी है।
उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सूची देखें। आपको सीधे ही इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ही आपको अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर अकाउंट नंबर डाल के चेक करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, इनमें से कोई भी चीज आप यहाँ पे डाल दीजिए। गेट डेटा पे क्लिक करिए और आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा अगर आपका नाम यहाँ पे होगा। अगर नहीं है तो आप लेखपाल से यहाँ पे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।